दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको दिखाते हैं अगर पंप हवा ले तो उसको कैसे निकाला जाता है इंजन में। पहले हम प्रेशर पाइप को खोलेंगे, अगर नीचे से घूम जाए बिंजो तो उसके लिए डबल रिंच लगाकर बिंजो को रोककर तब इसको हम खोलेंगे। अब दोस्तों इसको हम बिंजो को खोल कर अलग करेंगे। बिंजो को पंप से हटा देंगे खोल कर हम। इसमें दोस्तों एक स्प्रिंग भी पड़ी होती है, वो नहीं खोल पाए नहीं फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, दोबारा दूसरी लानी पड़ेगी। हम अभी आपको स्प्रिंग दिखाएंगे, ये स्प्रिंग है इसकी। ये डिलीवरी वाल पर इसका दबाव होता है तभी डिलीवरी वाल काम करती है। अब इसको हल्का घुमाएंगे फिर देखेंगे हवा। ये देखिए दोस्तों जो झाग के जैसा निकल रहा है यही हवा होती है, ये लगभग निकल चुकी है दोस्तों हवा। फिर भी हमको डिलीवरी वाल इसकी उठानी पड़ेगी सारी की सारी हवा निकालने के लिए। मैंने डिलीवरी वाल निकाल ली है, ये देखिए अब डीजल खोल कर आया है। ये देखिए डिलीवरी वाल हमने इसमें डाल दी। इसके बाद में अब हम बिंजो लगाएंगे स्प्रिंग देखकर, दोस्तों स्प्रिंग ना गिरने पाए इसको अब हम इसमें टाइट कर देंगे। इसको रिंच से हमने टाइट कर दिया। फिर इसमें प्रेशर पाइप दोबारा टाइट कर देंगे क्योंकि हवा निकल चुकी है। अब इसको प्रेशर पाइप लगाकर इसमें बिल्कुल मेंटेन टाइट कर देंगे। इसको मैंने टाइट कर दिया। अब चेक कर रहे हैं, इसके बाद अभी इसको स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे इसको, ये देखिए एक ही बार में स्टार्ट नहीं हुआ है, हो गया। देखिए ना कोई धुआं ना कुछ, बड़ा मेंटेन चल रहा है एकदम पतला। दोस्तों आपको ऐसी ही इंजन से संबंधित वीडियो देते रहेंगे, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों।
काम होते हैं। पौने दोनों और फोटो से किना की जो बोल हम्म।